नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना ज्योति। शास्त्र में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय स्थान प्राप्त है। इसे बहुत ही पवित्र और दैव शक्ति से युक्त माना जाता है, इसलिए कई मौकों पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन भी पति की लंबी उम्र के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नौकरी पाने के लिए कई उपायों के बारे में बताया गया है, इसमें से कुछ उपाय बरगद के पेड़ को लेकर भी है। आइए जानते हैं आज हम उन उपायों के बारे में। अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही है तो रविवार के दिन बरगद के पेड़ या उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। बरगद के पत्ते पर कोई अपनी मनोकामना लिखकर नदी में बहाने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। शनिवार के दिन बरगद के तने में हल्दी और केसर अर्पित करें, इससे व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। घर में लड़ाई झगड़ों और कला आदि से परेशान रहने वाले लोग नियमित रूप से बरगद के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें, इससे विवादित चीजों का अंत होता है और कला से भी छुट्टी मिलती है। परिवार में किसी सदस्य को बेवजह डर लगता है या फिर मानसिक तनाव रहता है तो बरगद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से वह खत्म हो जाता है, साथ ही मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति की बीमारी ठीक करने के लिए रात को सोते समय बरगद की जड़ उसके तकिए के नीचे रखते इसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे लाभ होने के योग बनते हैं। अगर व्यापार में इजाफा नहीं हो रहा है तो शनिवार को बरगद के पेड़ के नीचे 5 सुपारी और 1 सिक्का रख दें, फिर अपने परेशानी कहें, इससे व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है। बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से बिजनेस में लाभ होने लगता है, साथ ही बिजनेस में अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो मंदिर के पास बरगद के पेड़ की टहनी रख लें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, इसे दुकान या दफ्तर में भी रखा जा सकता है, इससे लाभ होगा। बरगद के पेड़ पर सफेद सूत का धागा 11 बार बांधे और जल अर्पित करें, इसे धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।